हेमलता चंद्राकर, हेमलता प्रणाम गुरु जी, भगवान सुखी रखे। बेटी को जानना, आकांक्षा चंद्राकर, आकांक्षा के बारे में उनकी जन्म तारीख बताएं। 12/12/94। समय 6:45 सुबह। इनकी कुंडली के अनुसार इनके विवाह में विलंब हुआ था क्या? अभी नहीं हुआ पंडित जी, विवाह नहीं हुआ। नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो विलंब ही है। यस, ठीक है। 94 का जन्म है। इनकी कुंडली में विवाह में विलंब का योग बनता है। अभी पिछले 2 साल के अंदर अप्रैल 2022 से अभी तक आपके परिवार में या लड़की के मामा पक्ष परिवार में किसी की अचानक मृत्यु हुई है? हाँ, मामा के लड़के का हुआ, उसके मामा के लड़के का हुआ है। मामा का लड़का? हाँ हाँ। नौजवान था? हाँ, 17 साल का है। 17 साल। हाँ। क्या हो गया था? एक्सीडेंट में एक्सपायर। एक्सीडेंट? हाँ। तो ये कभी किसी ने बताया नहीं था आपको कि ऐसा होगा? नहीं, लड़की नहीं। की कुंडली देख के कभी किसी ने नहीं बताया? नहीं, नहीं, नहीं बताया। इसकी कुंडली में था ऐसा योग? क्या जानना चाहे, थोड़ी ऐसी बात सुनो तो धक्का लगता है। किसी का भी हो, जॉब की तैयारी कर रही है और थोड़ा उनका घबराहट रहता है शरीर में, डर जाती है लड़की, डर जाती। सीजीपीएससी की तैयारी कर रही है, सीजीपीएससी की तैयारी में लगी हुई है। किसकी तैयारी? सीजीपीएससी। सरकारी नौकरी तो है, पक्की है, अच्छे पद पे जाएगी। ये डरती इसलिए है कि जब ये रात में सोती है तो इसको ऐसा लगता है कि कोई इसके ऊपर प्रेशर दे रहा, दबा रहा। कभी बताती है ऐसा नहीं बताती? ऐसा नहीं बताती है, तो रात में जगती है मोस्टली, रात में ज़्यादा ही पढ़ाई करती है। नहीं, वो तो ठीक है। हाँ। पर देर में, रात में ज़्यादा देर तक ना जगे, ठीक है। इसके दिमाग के जो बारीक तंतु हैं, बारीक नसें हैं, वह कमजोर है। अच्छा अच्छा। तो रात में जगने के कारण ये डरेगी। अच्छा अच्छा। डरेगी और कंफ्यूज रहेगी। हाँ, कंफ्यूज तो रहती है थोड़ा सा, बहुत कंफ्यूजन इसको बढ़ेगा भविष्य में, तो बड़ी परेशान रहेगी। तो इससे इसको बचना चाहिए। इसको ना हमारे ख्याल से एक एलोपैथी में डॉक्टर जानते हैं, ओ सी डी करके एक बीमारी है। ओ सी डी, ठीक ठीक है ना? ठीक। ओ सी डी करके बीमारी है। अच्छा। ओ सी डी में आदमी बार बार हाथ धोता है, बार बार किसी चीज़ से डरता है, बार बार किसी चीज़ को पढ़ता, कुछ भी, मतलब कुछ भी हो बार 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 बार, और उसको किसी का यकीन नहीं होता। हाँ, यकीन थोड़ा कमी है, यकीन नहीं होता, नहीं होता। ये उसे संकालु वृत्ति हो जाती। अच्छा। दिमाग जो है सकीला हो जाता। तो ये कारण। देखिए, आपकी बेटी की कुंडली में एक खासियत और जो आप जानते हैं, बहुत माइनर बात पर है बहुत बड़ी। आपकी बेटी शुरू से, बचपन से ही, कभी भी बिना तकिया के नहीं सो सकती। उसको हमेशा ऊंचा तकिया चाहिए। तकिया तो रखती है, सही बताएं? सही है गलत? हाँ, सही है, तकिया तो रखती है। बिना तकिया के बेचैन हो जाती है। हमेशा साथ में रखती, अच्छा तकिया साथ में भी रखती। सही बात है। हाँ हाँ। तो ये हमारी ज्योतिष है, कुछ अलग ही है। तो आप ऐसा करें कि एक नीलम रत्न धारण करा दें। नीलम? नीलम, ठीक है, ठीक है। और घर में रात्रि में राई का धुआं करें। आपके घर में कुछ नेगेटिव एनर्जी है। अच्छा, उसके कारण ये समस्या होती है। ठीक है। कई बार महसूस भी होता होगा, लड़की को भी महसूस होता होगा। ऐसा महसूस नहीं हुआ अभी तक है? महसूस तो नहीं हुआ पंडित जी हम लोगों? नहीं, लड़की को महसूस हुआ होगा। अच्छा, तो अच्छा, आपको या नहीं बताया होगा? नहीं बताई अभी। या बच्चे डरती है बात? तो डरपोक किस्म की है ये बात पक्का। कैसा? डरती है, ज़्यादा है, डरती है, घबराहट रहता है उनको, वही कारण है। आप नीलम पहना दीजिए, ठीक है, ठीक हो जाए। और रात में राई का धुआं करें, ठीक हो जाए। ठीक, एक पर्ची निकाल दें। धन्यवाद। खाटू श्याम घोंगा बाबा मंदिर गोल बाजार बिलासपुर में लक्ष्मी जी का दिव्य अर्चन एवं दरबार लगने जा रहा है 10 एवं 11 अगस्त 2024 को। आप इसमें सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद।